गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर रंजीत पूनिया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। छात्रों, मैं आज आपके साथ इतिहास विषय पर बात करूंगा। भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन काल का भारत मोटे तौर पर आरंभ से लेके 1200 ईस्वी तक आता है। 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत आता है और 1750 से हमारे आज़ादी की लड़ाई तक आधुनिक भारत में आता है। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ मध्यकालीन भारत के बारे में बात करूंगा। मध्यकालीन भारत में हमारे कोर्स में जो सिलेबस है वो 1206 से 1750 तक का काल है। 1200 से लेके 1750 तक का काल, लेकिन आजकल उसको कुछ एक्सटेंड करके पृथ्वीराज चौहान को भी उसमें मिला दिया गया है। तो जो हमारे कोर्स में काल आता है वो है करीबन 1173 से लेके, जब पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठा था, तब से लेके करीबन 1750 तक। अब मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि मध्यकालीन भारत को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट सल्तनत काल, दूसरा काल मुगल काल। मुगल काल में एक्सक्लूसिवली मुगलों ने ही शासन किया, लेकिन सल्तनत काल में हम देखते हैं कि एक के एक बाद एक पांच वंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश, सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। तो जो सबसे पहले भारत पर जिन्होंने राज किया सल्तनत काल में, वो थे गुलाम वंश के लोग। ये लोग तुर्किस्तान से आए थे, तुर्किस्तान के आज के उज्बेकिस्तान को कहते हैं। ये लोग तुर्किस्तान के तुर्क थे और भारत में गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश की स्थापना जरूर करी थी, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई थी और गुलाम वंश पे संकट के बादल मंडरा रहे थे। इस दौरान इल्तुतमिश आगे आया और उसने गुलाम वंश को मजबूती से भारत में स्थापित किया। गुलाम वंश के अन्य शासक जो हमारे सिलेबस में हैं वो हैं रजिया और बलबन। बलबन भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग शासक था, उसने भी बड़ी मजबूती से दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाया और मजबूत किया। उसने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित राज्य को ज्योग्राफिकली तो आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन उसको मजबूती जरूर दी। इसके पश्चात खलजी वंश आता है।
खलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद और क्यूमस को मार के दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था अलाउद्दीन खिलजी। उसने अपने चाचा की हत्या करके गद्दी को हत्याया और वो 1296 से लेके 1316 तक शासक रहा। इसके बाद खिलजी वंश का पतन आरंभ हो गया। मुबारक शाह इस वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश ने 1206 से लेके 1290 तक शासन किया। तुगलक वंश ने 1290 से लेके 1320 तक शासन किया। खिलजी वंश के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर आया तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना गाजी तुगलक ने की। गाजी तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 में गद्दी पर बैठा और उसने 1325 तक शासन किया। 1325 में उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक शासन पर बैठता है और वो 1389 तक शासन करता है। उसके बाद में उसके चाचा का लड़का भाई था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, वो गद्दी पर बैठा। उसने 1389 से लेके 1414 तक शासन किया। ये था तुगलक वंश। तुगलक वंश के पश्चात दिल्ली की शासन को सैयद संभालते हैं। सैयद भी तुर्क थे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सल्तनत काल के दौरान लोदियों को छोड़कर जितने भी शासक बने वो सब तुर्क थे। लोदी पठान थे और अफगानिस्तान से आए थे। सैयद वंश 1451 तक चलता है। 1451 में सैयदों की जगह लोदी आ जाते हैं और लोदी 1451 से 1526 तक शासन करते हैं। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। बहलोल लोदी के बाद में सिकंदर लोदी शासक बना। सिकंदर लोदी के बाद में इब्राहिम लोदी ने और 1526 में बाबर भारत पर आक्रमण करता है। बाबर मुगल था। बाबर अपनी माँ की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था और पिता की तरफ से तैमूर लंग का 5वां वंशज था। तैमूर लंग ने भी मध्य भारत में एक बहुत बड़ा शासन कायम किया था। तैमूर लंग ने उस समय जो पश्चिमी एशिया और यूरोप में एक बहुत ही मजबूत उस्मानी साम्राज्य था उसके शासक बैजेंटाइन विजयद को कैद कर लिया था। अगर ये दोनों शासक आपस में नहीं लड़ते तो पूरे यूरोप पर मोहम्मडंस का शासन हो सकता था। लेकिन इससे उस्मानी साम्राज्य की ताकत कुछ कम हो गई और तैमूर के मरने के पश्चात तैमूर का साम्राज्य भी कमज़ोर हो गया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बाबर जो था वो चंगेज खां की तरफ से उसका 14वां वंश था। मतलब बाबर की जो माँ थी वो चंगेज के वंश से थी और उसका पिता जो था वो तैमूर के वंश का था। तो उसमें माता और पिता दोनों की तरफ से एक अभिजात्य वर्ग का खून और युद्ध का खून हिलोरे मार रहा था। उसने 1526 में भारत पर आक्रमण किया और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके और भारत में
मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य 1526 से लेके औरंगजेब तक, मतलब 1707 तक बहुत ही मजबूती से चलता है। बाबर के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं, हुमायूं के पश्चात अकबर, अकबर का नाम तो आपने सुना ही है, उसे अकबर महान कहते हैं। अकबर के पश्चात जहांगीर, जहांगीर के पश्चात शाहजहां, शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्णिम काल कहलाता है, जिसमें सभी क्षेत्रों में, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हो, भारत ने बहुत तरक्की की। कहते हैं मुगल काल के समय में संपूर्ण विश्व की 13% जीडीपी भारत की थी। उसके पश्चात औरंगजेब, फिर औरंगजेब की जो नीतियां थी वो बड़ा ही धार्मिक रूप से बहुत ही कट्टर था, और उसकी नीतियों के कारण ही देखा गया है कि मुगल साम्राज्य का अंत शुरू हो जाता है। हालांकि औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य सबसे विस्तृत था। उसका साम्राज्य बांग्लादेश में चटगांव से लेकर अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ में, पूरे साउथ को उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन उसकी नीतियों से मुगल साम्राज्य का पतन उसके अंतिम दिनों में शुरू हो गया। 1707 तक तो उसने इस साम्राज्य को संभाले रखा। हालांकि जब तक वो मरा, वो 89 साल का होके मरा, उसने युद्ध क्षेत्र में कमान संभाल रखी थी। वो बूढ़ा हो चुका था, उसकी आंखें धस गई थी, उसके गाल पिचक गए थे, लेकिन फिर भी वो अपने शत्रुओं पर एक युवा की तरह विजय पाने को लालायित था। बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, लेकिन उसकी, विशेषकर उसकी जो धार्मिक नीति थी, उसके कारण भारत के विभिन्न धार्मिक समुदाय उसके खिलाफ हो गए थे, जैसे जाट, सिख, राजपूत, मराठे, ये सब उसके विरुद्ध हो गए थे और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिए थे और उसके साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। 1707 तक किसी तरह उसने इस साम्राज्य को संभाले रखा, लेकिन 1707 के पश्चात उसके साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। फिर भारत में अंग्रेज आ गए और 1801 में दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। 1857 में उन्होंने मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को भी कैद कर लिया और पूर्णतया लाल किले पर अधिकार कर लिया और भारत में अंग्रेजों का राज शुरू हो गया। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसको कि इतने बड़ा साम्राज्य होने के पश्चात भी भारत में दो गज जमीन नहीं मिली और उसको बर्मा के रंगून में दफनाया गया, बर्मा में दफनाया गया। और इस तरह हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का अंत होता है। भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है वो, उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं मोटे तौर पर। पहला सल्तनत काल, जो 1206 से 1526 तक चलता है। दूसरा मुगल काल, जो कि 1526 से 1857 तक चलता है। तो ये थी मध्यकालीन भारत की मोटी मोटी जानकारी। अगले जो वीडियो हम अपलोड करेंगे हिस्ट्री के, उनमें हम मध्यकालीन भारत को विस्तार से जानेंगे और जो मध्यकालीन इतिहास है उसको हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत जानने के स्रोतों से। वो कौन से स्रोत हैं, वो कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन से साधन हैं जिनसे हम मध्यकालीन भारत को जान सकते हैं, लिख सकते हैं, उन स्रोतों की जानकारी हम अगले चैप्टर में लेंगे। तब तक अलविदा, थैंक यू।